Hey yo people, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. My name is Rohit Avdute और आप सभी का स्वागत है मेरे 9th vlog में. तो दोस्तों आज हम जाएंगे फिल्म सिटी द बॉलीवुड थीम पार्क में. एंड इनसाइड द बॉलीवुड थीम पार्क आई एम गोना टेक यू इनसाइड अनदर स्टूडियो. इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको लेकर गया था एक स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग, बेहतरीन और मजेदार शोज देखे. अब मैं लेकर चलूंगा दूसरे स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे फॉले इफेक्ट के बारे में. फॉले साउंड इफेक्ट से मेरा मतलब ये था कि अगर रॉकेट लॉन्च हो चुका है और ऊपर जा रहा है तो उसकी साउंड कैसे रिकॉर्ड की जाती है, और अगर किसी की हड्डियाँ टूट गई तो उसका साउंड कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बारिश का साउंड कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एंड ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं उसका राज आज हम लोग खोलेंगे. मैंने इंस्टाग्राम पर एमसी स्टैन से रिलेटेड एक रील बनाई थी एंड आई गॉट 800K व्यूज़ ऑन दैट वीडियो. गाइज, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए. मैं बहुत बढ़िया वीडियोस भी बनाता हूँ, बहुत बढ़िया रील्स पोस्ट्स होते हैं मेरे. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड इफ़ यू लाइक इट डू फॉलो. थैंक यू. नाउ बिफोर गेटिंग एनी लेट, लेट्स गेट गोइंग. सो हियर वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बॉलीवुड टूरिज्म्स टिकट काउंटर. From here you can get your tickets to go inside the Bollywood theme park and to go inside the Dada Saheb Phalke Chitranagari. तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द बॉलीवुड थीम पार्क में, चलिए अंदर चलते हैं. द बॉलीवुड थीम पार्क की और भी ब्यूटीफुल चीजें देखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा. वाओ, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड एज यू कैन सी एवरीथिंग इज सो कलरफुल एंड आई कैचिंग. और यहाँ पर है हाथी भाई. हाथी भाई की सूंड थोड़ी अजीब सी नहीं है? अभी हम लोग चलेंगे क्रोमा स्टूडियो के अंदर, आइए. तो दोस्तों आज हम जानेंगे ग्रीन स्क्रीन के बारे में, VFX टेक्नोलॉजी के बारे में. ग्रीन स्क्रीन तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ बेहतरीन और कुछ अनरियल दिखाना हो, और ब्लू स्क्रीन तब यूज़ करते हैं जब आपको बैकग्राउंड में कुछ ग्रीनरी, जंगल वंगल दिखाना हो. ये है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आइए अंदर चलते हैं. यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड्स किए जाते हैं. दिस इज़ हाउ द रियल स्टूडियो लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. म्यूजिशियंस ऐसे ही स्टूडियोज में सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों. आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ दिस गाइस, बट दिस इज फॉर मिक्सिंग आई गेस. वहां पर अंदर सिंगर गाना गाएंगे, उनकी आवाज रिकॉर्ड होगी अंदर, और यहां पर कंपोजर और प्रोड्यूसर उन्हें देखेंगे. फीस आइए बॉलीवुड थीम पार्क में, सबसे अच्छे शोज यहाँ पर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. तो ऐसे ही सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और वहाँ पर होते हैं लिरिक्स. वो स्क्रीन लगाई गई है लिरिक्स के लिए, वहाँ पर लिरिक्स पढ़कर आप लोग गाना गा सकते हो. ये है माइक. नाउ वी आर डन विद द सिंगिंग स्टूडियो. माइक के जस्ट सामने ये स्टैंड रखा जाता है जिस पर लिरिक्स शीट होती है. ये देखिए, कम बजट वाला फिल्म फेयर अवार्ड. ब्लैक लेडी, यू शुड बी ऑन योर प्लेस. ये है एडिटिंग स्टूडियो. यहाँ पर VFX और क्रोमा ग्राफिक्स की पूरी एडिटिंग यहीं पर की जाती है इसी स्टूडियो के अंदर. इससे बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको छोटा सा नमूना दिखाया है. लाइटिंग्स आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. यहाँ पर होती है एडिटिंग. Thank you.
wait, let me cross the road. Let me show you guys where am I right now. और हम लोग आ चुके हैं ओबेरॉय मॉल के पास. ओबेरॉय मॉल मेरे घर से बहुत नज़दीक है और मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है. नाउ वी आर इनसाइड द ओबेरॉय मॉल. वो स्पेस से रिलेटेड कुछ थीम बनाया गया है आज. यहाँ पर अक्सर ऐसे थीम्स बनाए जाते हैं. ओबेरॉय मॉल में मैं बचपन से आता हूँ दोस्तों, और मेरे घर से भी बहुत नज़दीक है. आज भी मैं यहाँ पर एक रील वीडियो शूट करने आया हूँ. वो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा गाइस, आप लोग देखिएगा ज़रूर. सो गाइस, आई हैव बॉट समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ. अब यहाँ से हम लोग चलेंगे घर. आउटरो में मिलते. हे यो पीपल, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू ऑल एंजॉयड माई वीडियो. स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज. आई ट्राई टू शो यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक दिस. Till then, stay healthy, stay safe. Peace out. Wait, where's the light? Pew.